किसी ने उड़ा दिया, उसने खुदकुशी की। अल्लाह ने वास्त, मैं पहले बहुत जख्मी आया, गला ना मैंने जख्मी शहीद है, मैं उसकी कहानी इस वास्ते सुना रहा कि मंगया करो अल्लाह ही जी औलाद देवे, जड़ी अल्लाह उसके रसूल दे इश्क, मेरा पुत्र डॉक्टर बन जावे, मेरा पुत्र इंजीनियर बन जावे, मेरा पुत्र सियासदाना दिन मेरी थारा MPA का टिकट ले लवे, मेरा बच्चा तो मैनू नवा सबक सिखा कि बाबा अल्लाह के इश्क के सिवा यहाँ कुछ नहीं। मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाजिर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये फाका ना हुआ। और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अजियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना तारिक जमील साहब के बयान में और मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे मौलाना यूसुफ़ जमील के बयान में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बयान में ये कहा है कि किसी ने मेरे बेटे को उड़ा दिया, और मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बयान में ये भी कहा है कि मेरा बेटा शहीद है। और ये बात भी याद रख लें कि जिस शख्स ने खुदकुशी की हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, इस्लाम में खुदकुशी करने वाले को शहीद कहना मना है, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब अपने बयान में अपने बेटे को शहीद कह रहे हैं। मेरा ख्याल यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब दुरुस्त कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि मौलाना तारिक जमील साहब का यह गुमान हो कि उनके बेटे ने बंदूक को, पिस्टल को साफ करने की नीयत से उठाया हो और साफ करते हुए उसमें से गलती के साथ गोली चल गई और उनके बेटे का इंतकाल हो गया, उनके बेटे की डेथ हो गई, इसलिए वो अपने बेटे को शहीद कह रहे हैं। लेकिन यह बात याद रख लें कि ऐसा शख्स हकीकी शहीद नहीं होता, हुक्मी शहीद होता है। हकीकी शहीद उसको कहते हैं कि जो मैदान जिहाद में हो, मैदान जंग में दुश्मन के वार से कत्ल कर दिया जाए, उसको हकीकी शहीद कहते हैं। और जिसको गलती के साथ कोई कत्ल कर दे या कोई हादसा पेश आ जाए या कोई पानी में डूबकर मर जाए या कोई आग में जलकर मर जाए या किसी को पेट की तकलीफ हो उसमें वो मर जाए, तो उसको हकीकी शहीद नहीं कहते बल्कि वो हुक्मी शहीद होता है। इसीलिए मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे हुक्मी शहीद हैं, हकीकी शहीद नहीं।